वचन सत्य वचन जीवन वचन हर घर में ईश वचन हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्या 18 से लेकर 23 तक। ईसा ने शिष्यों से कहा, अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है, जो पथरीली भूमि में बोया गया है। यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन रीढ़ बना रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनता है और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु येसु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया प्रभु के उपदेशों द्वारा और दृष्टांत द्वारा हमें वचनों में बढ़ने के लिए, उसमें बने रहने के लिए और उसको सिंचित करते हुए उसके सुरक्षित रखने के लिए सिखा रही है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि हम उसे सुरक्षित नहीं रखते हैं, प्रभु की कृपा के बाड़े में नहीं रखते हैं, शैतान वचनों को चुरा लेता है। हमारे सामने एक विश्वासी का प्रभु के प्रति क्या करते हुए होना चाहिए, इसे आज का सुसमाचार प्रकट भी करता है कि विश्वासी को किस प्रकार उसको समर्थन करना है या प्रभु के आने वाले वचनों को स्वीकार करते हुए प्रभु को किस प्रकार से हाँ करना है और उसके द्वारा वचनों से कैसे सिंचित हो सकता है। प्रभु का वचन आज हमें बता रहा है। आज सुंदर और सहज समझ में आने वाले दृष्टांत के द्वारा हमें प्रभु बता रहे हैं कि किसी भी चीज द्वारा या वस्तु द्वारा यदि हम 100% अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल बीज का ही अच्छा होना काफी नहीं है, जमीन का भी अच्छा होना जरूरी है, अच्छा खाद, अच्छी परवरिश और उसकी सुरक्षा जरूरी है, तभी एक पेड़ या कोई चीज अच्छा फल दे सकती है या 100 गुना हमें उसका वापस लौटा सकती है। इस प्रकार एक परिवार के बारे में अगर हम सोचेंगे तो एक परिवार प्रभु के आनंद का विषय तब बनता है जब वह अपने परिवार को प्रभु के वचनों से सिंचित करता है, अपने परिवार में प्रभु के वचनों का मनन करता है, उसे दोहराता है, इस प्रकार से घर का वातावरण वह शुद्ध करता है। प्रभु के वचनों के लिए सबसे पहले विश्वास और उसे स्वीकार करने की सोच रखना बेहद जरूरी है। यदि वह यह सोच रखे तो शैतान उन वचनों को चुरा नहीं सकता। साधारण शब्दों में कहेंगे तो हमारे परिवार का वातावरण कई बातों से हम दूषित करते हैं या दूषित हो जाता है। मेरा और मेरे परिवार का वातावरण मेरे बुरे विचारों, शब्दों, गाली गलौज आदि से बिगड़ने से आसानी से शैतान के कार्यों को मजबूती मिलती है। किंतु जब हमें प्रभु के वचनों और गीतों को हमारे मुंह से दोहराते रहते हैं, उस पर चलते हैं, मनन करते हैं तो वातावरण शुद्ध होने लगता है। आइए हमारे परिवार को आज से प्रभु के वचनों से सजाएं और पोषित करें ताकि संकट परेशानी में
हम और हमारा परिवार प्रभु में मजबूती बनाए रखें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे वचनों में हम अनंत जीवन को पाते हैं। तेरा वचन अर्थात हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हमारे दिल में, हमारे घर में प्रवेश करने हेतु हमारे हृदय को तेरी कृपा से भर दे। आमीन।